वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सचिन रॉक जीकेपी। तो दोस्तों, गोरखपुर में लग चुका है अंडर वाटर फिश टनल, और मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ था, लेकिन उस टाइम जो है वो पूरी तरह बन करके कंप्लीट नहीं था, और काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट किया था कि पूरा एग्जैक्ट एड्रेस वीडियो बनाइए ताकि वहाँ पर जाया जा सके। तो अभी मैं हूँ गोलघर में, और गोलघर से हम सीधे जाएंगे टाउन हॉल, क्योंकि टाउन हॉल में ही जो है ये डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ है, और उसी के अंदर जो है अंडर वाटर फिश टनल लगा हुआ है। तो आज हम वही जाएंगे और आपको पूरा एक्सप्लोर करेंगे, हर एक चीज़ दिखाएंगे, हर एक चीज़ बताएंगे। तो ये रहा, ये गोलघर का मार्केट है, और देखिए गोलघर का मार्केट रात में बहुत ही जगमगाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो बस हम आ चुके हैं कचहरी चौराहा, अब यहीं से हम राइट हैंड में मुड़ेंगे, और ये बड़ा वाला झूला थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा। तो अभी जो है हम राइट हैंड साइड में मुड़ने के बाद अब थोड़ी दूर पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में टाउन हॉल आ जाएगा। तो आप भी जो है कचहरी चौराहे पे आ करके वहाँ पे टाउन हॉल आ सकते हैं। टाउन हॉल में लगा हुआ है डिज्नीलैंड मेला और अंडर वाटर फिश टनल। तो चलिए आपको पूरा दिखाते हैं क्या क्या अंदर है, क्या नहीं है, और सारा आपको एक्सप्लोर करके पूरे डिटेल के साथ बताते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है उत्तर भारत का सबसे बड़ा ड्रीम सिटी सी वर्ल्ड अंडर वाटर फिश टनल, और इधर जो है टिकट काउंटर है। सो गाइस, एक बार फिर से मैं आ गया हूँ डिज्नीलैंड मेला, जो कि लगा हुआ है टाउन हॉल में, और इसका टिकट मैं ले चुका हूँ। और मेरे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसलिए मुझे दोबारा आना पड़ रहा है यहाँ पे सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाने। तो फटाफट से चलते हैं अंदर, और अंदर आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। सो गाइस, टिकट हमने ले लिया है, और आप ये देख सकते हैं शार्क का इतना बड़ा यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो अभी जो है हम जाएंगे, टिकट जो है चेक होगा। तो टिकट की अगर रेट की बात की जाए तो 20 रुपये का एक टिकट है। तो 20 रुपये का हमने टिकट ले लिया है। अब जा करके यहाँ आगे जो है हमारा टिकट चेक होगा, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। तो गाइज ये देख सकते हैं अंदर का कुछ इस तरह से नज़ारा है एंट्री गेट का, काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइट वाइट जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम अंदर चलते हैं। तो अंदर जाने के बाद सबसे पहले हमें देखने को मिलता है मार्केट, जो कि सारे मेलों में ये मार्केट लगे रहते हैं, और इससे पहले मैं जो आया था तो काफ़ी कम जो है मार्केट लगा हुआ था, लेकिन इस टाइम जो है काफ़ी बड़ा मार्केट लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़। और ये कलकत्ता के मिठाई बहुत ही लाजवाब दिख रहे हैं, बहुत ही लाजवाब, और देखते ही जो है मुंह में पानी आ जाएगा। अब बाकी जो है हर मेले में जिस तरह से ये मार्केट लगते हैं, वैसा ही मार्केट यहाँ भी लगा हुआ है, खिलौने के, कपड़ों के, हर एक चीज़ के। तो इस तरह हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो है कपड़े की दुकान है, और ये हमें बड़ा वाला झूला भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, और ये जो है बंदूक, जैसे कि सो गाइस अंदर आ गए हैं, और अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा बाजार लगा हुआ है, बहुत ही शानदार। और आज के दिन जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि बच्चों के स्कूल की छुट्टियां भी हो गई हैं, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। बाकी मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। आप यहाँ पर भीड़ देखिए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा आए हुए हैं, और सभी के सभी जो है अंडर वाटर फिश टनल देखना है, क्योंकि गोरखपुर में पहली बार लगा हुआ है अंडर वाटर फिश टनल। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, और ये गेम देख सकते हैं, और अगर आप मेले में आए हो और गेम ना खेलें तो समझ लीजिए ये तो आधा अधूरा रह जाएगा। तो फटाफट से ये गेम देख लेते हैं एक, फिर उसके बाद से आगे चल करके मैं आपको पूरा मेला एक्सप्लोर करता हूँ, हर एक चीज़ दिखाता हूँ कि क्या क्या यहाँ लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप बीचों बीच में देख सकते हैं चटपटा चना जोर गरम, और ये देख सकते हैं ज्वेलरी शॉप, और ये खिलौने, ये जो 6 बॉल डालने पर जो प्राइजेस होता है, और आज तक किसी ने भी ये प्राइज नहीं जीता है। और जब आप आगे बढ़ते हैं, ये जो बड़ा वाला झूले का जो ये दिख रहा है, ये जो व्यूज़ आ रहा है काफ़ी शानदार व्यूज़ आ रहा है, ठीक बीचों बीच में ये जो बड़ा वाला झूला दिख रहा है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही गजब का दिख रहा है। तो आप देखिए, सबसे पहले भीड़ देखिए कितने लोग आए, और ये गर्मियों की छुट्टी हो चुकी है, सारे सिर्फ आपको बच्चे ही बच्चे दिखेंगे। और ये देखिए झूले, तमाम तरह के झूले यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए पहला तो ये डायनासोर वाला झूला,
एक तरह से ट्रेन कह सकते हैं, डायनासोर वाला ट्रेन। और ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत झूला है जो कि सारे बच्चे जो है जिद करते हैं ऐसे झूले। तो यहाँ पर जो है इस मेले में तमाम तरह के झूले लगे हुए हैं, ऐसा कोई झूला नहीं है जो ना लगा हो। और अगर बच्चे आए झूला ना झूले ऐसा हो सकता है। और तो आगे देखिए भूत बंगला भी है। फटाफट से हम चलते हैं अंडर वाटर फिश टनल के काउंटर की तरफ, जो कि ये काउंटर जो है सबसे आखिर में लगा हुआ है। तो अब हम उसी साइड चलते हैं। सो गाइज, ये रहा हमारे सामने अंडर वाटर फिश टनल का टिकट काउंटर, जो कि इसका टिकट का प्राइस है 100 रुपीज़। तो फटाफट से टिकट लेते हैं और चलते हैं, आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। ओ भाई साहब, अब अंदर आ चुके हैं हम। और ये क्या गजब का, एकदम ठंडा ठंडा कोल कोल, मानो कि समुद्र के अंदर ही आ चुके हैं। और तमाम तरह के यहाँ पे मछलियाँ हैं, सार्क है, और इतनी सारी मछलियाँ हैं कि मुझे तो इनका नाम भी नहीं पता है। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ये कौन सी मछली थी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। बहुत ही शानदार ये लग रहा है, एकदम से जैसे लग रहा है कि समुद्र के एकदम अंदर ही आ चुके हैं। और सारी मछलियाँ जो है हमारे इर्द गिर्द पूरी तरह घूम रही है, और तरह तरह की मछलियां हैं यहाँ पे। और मैं आपको आगे ले चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ। बहुत ही गजब का, एक तरह से यार इतनी गर्मी है यहाँ पे गोरखपुर में, और इसके अंदर आने में जैसे लग रहा है मानो कि पानी के अंदर ही आ चुके हैं। एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है। और यहाँ पे तमाम तरह की मछलियाँ हैं, छोटी मछली, बड़ी मछली, बहुत सारी हैं। और एक बार तो मैं कहूँगा आप ज़रूर आइए, इसका लुत्फ़ उठाइए। और ये गोरखपुर में फर्स्ट टाइम लगा है। समुद्र में जितनी भी टाइप की मछलियाँ होती हैं सारी मछलियाँ यहाँ पर हैं। और ये जो यहाँ पर एनवायरनमेंट अगर कहा जाए कि हमारे चारों तरफ जो एकदम बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है। आप देखिए ये मछलियाँ जैसे लग रहा है कि आसमान में हैं सारी, एकदम ब्लू ब्लू, एकदम गजब का दिख रहा है भाई साहब। तो सारे बच्चे यहाँ पे इंजॉय करते हुए, कलरफुल मछलियाँ हैं। और ये काफ़ी लंबा टनल है, बहुत ही गजब का है। एक बार तो आप आइए ज़रूर। यहाँ टाउन हॉल में लगा हुआ है, कचहरी क्लब भी कह सकते हैं इसे। और यहाँ पर जो है अंडर वाटर फिश टनल लगा हुआ है, बहुत ही शानदार। आपको टाउन हॉल का मेला दिखा दिया है डिज्नीलैंड। और आज के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, बाकी काफ़ी अच्छा भी है। बच्चों के लिए जो है सारे तमाम तरह के झूले वगैरह लगे हुए हैं, खाने पीने के तमाम आइटम लगे हैं। और रही बात जो नई चीज़ है, यानी कि अंडर वाटर फिश टनल, उसका टिकट है 100 रुपये। तो आप मेरे वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, और इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसमें भी आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, इसलिए मैं दोबारा गया आपके लिए वीडियो बनाया। इसे भी भरपूर प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। गर्मियों की छुट्टी में जो है आप भी आइए डिज्नीलैंड मेले में घूमिए। और इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और अंदर जो है खाने की चीज़ें तो बहुत ही महंगी थी, इसलिए मैं बाहर आकर के कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।